फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द मंथ नेम एंड डिक्शन एज वेल एज हिंदी मंथ नेम। मतलब हम जो हैं आपको जो होते हैं जनवरी फरवरी एक तरफ को आपको हम इंग्लिश में लिख के दिखाएंगे, उसका उच्चारण लिख के दिखाएंगे डिक्शन, इसके बाद उसका जो मीनिंग उसका अर्थ क्या होता है उसको लिख के दिखाएंगे, उसके महीने के अंदर कितने दिन होते हैं वो भी लिख के दिखाएंगे, और उस महीने में कौन सी जो ऋतु आती है जैसे विंटर है स्प्रिंग है जो भी कुछ है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कैसे, पहले देखते हैं हम हमारा जो आता पहला मंथ अंग्रेजी के हिसाब से आता जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई, मतलब जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी। तो इस हम पढ़ते क्या हैं, जेनु अ री, इसको हम कहते हैं जनवरी। वैसे हम पढ़ते हैं इसको जनवरी जनवरी, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है जनवरी। इसमें कितने दिन होते हैं इसको हम लिखेंगे रेड से, इसमें है 31 दिन होते हैं इसके अंदर, इस महीने में 31 दिन होते हैं। अगला देख लेते हैं, अब लिखेंगे हम रेड से, इसको देख लें फरवरी, एफ ई बी आर यू ए आर वाई, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसका डिक्शन क्या होता है, फेबुअरी, इसका नाम होता है फेबुअरी, इसको हम पढ़ते हैं फरवरी फरवरी। हम इसको हैं अब लिखेंगे ब्लैक से, इसके अंदर कितने दिन होते हैं, इसके अंदर एक तो 28 दिन भी होते हैं और फरवरी 29 की भी होती है ना। अब देख लेते हैं हम, अब लिखेंगे हम ब्लू से मार्च, एम ए आर सी एच, इसे कहते हैं मार्च, मार्च को हम जो है मार्च ही पढ़ते हैं, और हम इसका जो मीनिंग होता है वो भी मार्च होता है। इसमें कितने महीने होते हैं, 31, इसको हम चलो अलग अलग रंग से लिखते हैं, थोड़ा अलग चमकेगा अच्छा दिखेगा, इसको हम लिखेंगे ग्रीन से, इसको हम ग्रीन से लिखेंगे, इसमें 31 मार्च में होते हैं 31 महीने। अब देख लेते हैं अगला हमारा जो है ब्लैक भी ब्लू, अब हमारा रेड भी हो गया है, अब हमारा किससे लिखेंगे हम जो है अब लिखेंगे ग्रीन से। अब देखते हैं मार्च, मार्च के बाद आता है हमारा अप्रैल, ए पी आर आई एल, इसको हम पढ़ते हैं, ये आपका हो गया अप्रैल, इसको हम पढ़ते हैं अप्रैल, ये आपका हो गया अप्रैल। इसके अंदर कितने दिन होते हैं, इसको हम लिखेंगे ब्लू से, इसको हम लिखेंगे ब्लू से, इसके अंदर जो होते हैं अप्रैल में 30 होते हैं दिन, है ना। और जो है अभी हम जो आज के बाद में जो ऋतुएं लिख के दिखाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से, हमारा जो हो गया अब फिर लिखेंगे हम ब्लैक से, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, एम ए वाई मई, मई भी होता है मई, मई भी होता है मई, है ना। इसके अंदर कितने दिन होते हैं, इसके दिन होते हैं 31 होते हैं। अब हैं रेड से लिखेंगे हम जो हैं मई के बाद आता है जून, जे यू एन ई जून, इसको हम जून पढ़ते हैं, इसको जून पढ़ते हैं और इसको भी हम जून लिखते हैं। और इसमें कितने दिन होते हैं, इसमें दिन होते हैं हमारे जून में जिन दिन होते हैं 30 दिन होते हैं जून में। अब पढ़ेंगे हम जो होता है ग्रीन से लिखेंगे हम, जून के बाद हमारा आता है जुलाई, जे यू एल वाई जुलाई, इसको हम जुलाई लिखते हैं, और हम जो है इसका जो डिक्शन है उच्चारण वो जुलाई पढ़ते हैं, और ये भी हम जो है जुलाई लिखेंगे। इसमें हमारे कितने दिन होते हैं, इसमें हमारे जो होते हैं जुलाई में 31 दिन होते हैं इसके अंदर हमारे 31। अब हमारा आता है अगस्त, अगस्त जो होता है वो ए यू जी यू एस टी अगस्त, इसको हम क्या पढ़ते हैं अगस्त,
तो हम लिखते क्या है अगस्त, इसको हम लिखते हैं अगस्त। और इसके अंदर दिन कितने होते हैं, इसके अंदर भी दिन जो होते हैं अगस्त में 31। ये दो महीने ऐसे जिसमें जुलाई अगस्त जो है कॉलेज खुलते हैं, अप्रैल में खुल जाते हैं वैसे तो, पर जुलाई से बच्चा आता है, जुलाई और अगस्त में 31 जो होते हैं दिन होते हैं। केवल यही दो ऐसे महीने हैं जिसमें लगातार दिन 31 के आते हैं। अब देख लेते हैं हम सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर हम लिखेंगे हम जो हैं ब्लैक से। सेप्टेम्बर की स्पेलिंग क्या होती है, एस ई पी टी ई एम वी ई आर। हाँ से इसको जो है हम जो हैं अब इसको हम पढ़ते क्या हैं सेप्टेम्बर, और हम इसको पढ़ते क्या हैं लिखते क्या है उसका जो सितंबर, ये आपका हो गया ये सितंबर, ये आपका यहाँ पे मैं आर बना देता हूँ छोटा सा, ये ऐसे करके आपका हो गया यहाँ पे ये। इसके अंदर कितने दिन होते हैं, इसके अंदर भी सितंबर में 30 दिन होते हैं। अब देख लेते हैं हमारा क्या बचता है अक्टूबर, अक्टूबर हम ग्रीन से लिखेंगे, ओ सी टी ओ वी ई आर। इसको हम जो हैं क्या इसका जो डिक्शन होता है वो पढ़ते हैं अक्टूबर, जो होता है इसे पढ़ते हैं अक्टूबर, तो हम इसे लिखते क्या हैं अक्टूबर। इसके अंदर कितने दिन होते हैं, इसके अंदर दिन हमारे होते होंगे 31। अब हमारे बचते हैं दो महीनों के नाम, एक का नाम है नवंबर, तो हम लिखेंगे रेड से, एन ओ वी ई एम वी ई आर। इसको हम नो वे म वर इसको पढ़ते हैं, वैसा हम लिखते हैं यहाँ पे नवंबर। और इसमें कितने दिन होते हैं ये लिखेंगे हम ग्रीन से, इसके दिन होते हैं हमारे नवंबर में 30 दिन होते हैं हमारे, है ना। अब देख लेते हैं हम, अब लिखेंगे ब्लू से, इसको देखते हैं दिसंबर, डी ई सी ई एम वी ई आर, मतलब डी ई सी ई एम वी ई आर। इसको हम जो हैं दिसंबर, इसको हम पढ़ते भी जो हैं दिसंबर, डी स म व र। इसके अंदर कितने दिन होते हैंगे, इसके दिन हम लिखेंगे अब जो हैं जो रेड से लिख देते हैं चलो, इसके अंदर भी 31 दिन होते हैं। अब इन महीनों के अंदर कौन सी ऋतु आती है, विंटर आता है नौका आता है जो भी कुछ है वो लिख के दिखाएंगे हम आपको ग्रीन से। इसको हम जो ये हमारा जो जनवरी फरवरी का महीना होता है इसे कहते हैं विंटर, डब्ल्यू आई एन टी ई आर, विंटर कहते हैं आपकी ये शीत ऋतु, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे हम शीत, और ये हो गया आपका ऋतु, मैंने हिंदी में लिख दिया और इंग्लिश में भी। अब हम लिखेंगे ब्लू से, आपका जो होता है मार्च से लेकर मई तक का महीना होता है स्प्रिंग, एस पी आर आई एन जी, स्प्रिंग भी होती है बसंत ऋतु, इसको हम कहते हैं हिंदी में बसंत, और यहाँ लिख दिया हमने यहाँ पे ऋतु। अब जो होता है समर, समर को हम लिखेंगे रेड से, समर जो होती है हमारी जो जून से लेकर अगस्त तक चलती है, एस यू डबल एम ई आर, एस यू डबल एम ई आर समर कहते हैं हमारे ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु ऋतु, है ना। अब हमारे क्या बचता है, अब हम देखेंगे ब्लैक से लिखेंगे ऑटमन, इसे कहते हैं शरद ऋतु, ए यू टी यू एम एन, आठवन में होता है आपका ये शरद ऋतु, शरद, और यहाँ हमने लिख दिया यहाँ पे ये ऋतु। अब हमारे क्या व्यवस्था दिसंबर में शीत ऋतु, वो हम लिखते हैं जब ऊपर ग्रीन से लिखा हुआ तो हम भी यहाँ पे ग्रीन से लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू आई एन टी ई आर।
ये वीडियो बहुत आपको अच्छी लगी होगी, हमने आपको मन से नेम जो अच्छे तरीके से आपको जो समझाए हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।